हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आया है। मैं घर से निकली हूँ रुद्रपुर का मेला दिखाने, जिसको कहते हैं दुबई वाला मेला। तो हमारे यहाँ ये नुमाइश लगी हुई थी, तो इसलिए हमारे बाबू ने भी बहुत ज़िद करी इनसे, और संडे का दिन था तो जीतू और शैंकी और हमारी लाडो रानी, तो हम सब लोग देखने गए थे नुमाइश। तो देखिए एंट्री हो गई है गेट पे, इसमें 30-30 रुपये टिकट है केवल, और अंदर जाने के लिए। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे अच्छे अच्छे से फ्रेम फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं, सारे लोग खिंचवा रहे थे, तो हमने भी एक दो क्लिप मतलब फ़ोटो खिंचवाए हैं और रील बनाई है, और उसके बाद ये मैंने ब्लॉग बना लिया। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, गुड़िया रानी बहुत छोटी इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। सो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए मेला बहुत। सो दोस्तों, यहाँ पे गाने की आवाज़ बहुत आ रही थी इस नुमाइश में, प्रदर्शनी में, और इसलिए मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। सो दोस्तों देखिए, इन्जॉय करिए हमारे साथ, और हमारे बच्चे हैं दोनों छोटे छोटे। देखिए शैंकी का कितना अच्छा लुक लग रहा है, ये शैंकी के पापा ने ड्रेस इनके लिए ख़रीदा था। और मैं बताऊँ, ये हमारी मकान मालकिन जो भाभी हैं, उन्होंने बच्चों को कपड़े दिलाए थे, तो बेबी का जो पिंक कलर का पहने स्कर्ट टॉप, और ये शैंकी का जो कैप्री और टी शर्ट पहने हैं, तो ये भाभी ने दिलाए थे, और काफ़ी कॉस्टली हैं ये, बहुत अच्छे कपड़े हैं, और दोनों बच्चों को बहुत अच्छे लगे। ये है यहाँ पे सेल्फी स्टैंड, तो यहाँ पे लड़कियाँ लड़के गर्ल्स जो भी अपनी रील्स बनाना चाहें डांस करके बना सकती हैं। ये है यहाँ पे मार्केट, जो सेल वगैरह जैसे लगी थी, और यहाँ पे ये वाली आइसक्रीम खिलाते हैं जो झूठ खिलाते हैं। तो मैंने शैंकी को बोला था, शैंकी कह रहा नहीं मम्मी मुझे गुस्सा आता है, वो देते नहीं अंकल हैं, तो उसने लिया नहीं था। तो कुछ लड़के ले रहे थे बच्चे, और यहाँ पे देखिए ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, और मुझे तो देख के बहुत डर लगता है, हमारी गुड़िया रानी तो उछल ही पड़ेंगी। शैंकी के पापा इतने शाय स्टाइल के हैं, तो वो बैठे नहीं ऊँट पे, उन्होंने कहा ना मेरे को नहीं करनी है। तो ये एक लड़की है, ये अपनी रील बना रही थी, तो इसका भी वीडियो बना। पहले तो देखिए ये बच्चा है, ये देखिए ये झूठ खिला रहे हैं इसको, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी अच्छा लगता है। देखो जाएंगे, और इसके बाद अभी लड़की है ये रील बनाएगी, तो ये देखिए हम लोगों का फाइनल लुक। और मैंने बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी है, और हमारी बेटी देखिए कभी मंगलसूत्र पकड़ रही थी हमारा लाडो रानी हमारी, कभी झुमके पकड़ रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, और मेले में देखे बहुत खुश थी। पहली बार फर्स्ट टाइम इसको मैं मेला ले गई थी, एक छोटा सा एक दिन और लेकर गई थी, तो वहाँ ये रोने लगी थी, मैं जल्दी चली आई, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने इतना इन्जॉय करा है, खूब खुश थी, खूब सब तरफ देख रही थी। और हमारी बेटी छठे महीने में चल रही है, अभी हुई नहीं है, 21 तारीख को हो जाएगी 6 मंथ की मेरी बेबी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी लाडो रानी। और दोस्तों बहुत अच्छे हमारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और बच्चे सबके अच्छे होते हैं, किसी के भी छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए खाने पीने का सेक्शन है, और टिक्की वगैरह है, और साड़ियों की दुकान थी, और अचार वगैरह की दुकानें हैं यहाँ पे, तो अभी चौमिन वगैरह की ये दुकान है। उसके बाद ये ट्रेन है इधर चल रही है, बच्चे घूम सकते हैं इसमें। ये पानी के लिए स्विमिंग वाला है, मतलब इसमें क्या है, ये छोटे छोटे बोट कह लो या नाव कह लो, तो बच्चे इसमें एंजॉय कर रहे थे पानी में। ये भी मेरा बाबू बहुत डरता है, शैंकी नहीं गया इसमें, मैंने बहुत कहा यहाँ पर मैं खड़ी थी, बाबू ऐसे सुकर कह रहा नहीं मम्मी मैं पानी में गिर जाऊँगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे। अभी बहुत छोटा है ना, 3-4 साल का, तो इसलिए उसको डर लगता है। इसमें भी बलून जैसा होता है, तो इसके अंदर बच्चे घूमते हैं। और ये देखिए एक ट्रेन है, और ये जो है तो इसमें बच्चों को इसके नीचे से निकलना है, घूमता रहता है डंडा खम्बा जैसा, तो इसमें बच्चे मजे कर रहे थे। हमारा बाबू अभी इतना बड़ा नहीं है जितने ये बच्चे हैं जो कुछ करें। और यहाँ पे है कि वो रिंग डालो और उसमें से इनाम जीतो, वो वाला है दुकानें, तो बहुत अच्छा लगा घूमकर। और यहाँ पे भूत बंगला भी है, भूत का घर, इसमें बहुत बुरी बुरी से हॉरर आवाज़ें आ रही थी। और दोस्तों ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ मेला की आवाज़, वरना तो गाने बहुत अच्छे बज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत दिनों के बाद मैं निकली भी हूँ घर से, वैसे भी नहीं निकल पाती हूँ, बच्चे हमारे छोटे हैं और स्कूल भी जाने लगा अब शैंकी, तो इसलिए बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता स्कूल ले जाना लाना छोड़ना, उसको फिर होमवर्क कराना, घर के सारे काम करना, अकेली मैं मैनेज करती हूँ, इसलिए यूट्यूब मैनेज नहीं हो पा रहा है। और मैंने दोस्तों
एक और फ़ोन लिया है, आपको दिखाऊंगी वो फ़ोन। और क्योंकि जीतू ना आप कंपनी ले जाते हैं फ़ोन, उनका अलाउ हो गया। अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैंने जीतू के फ़ोन से स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग बनाना, तो वही करते थे। अभी देखिए जीतू इसको बैठा के ट्रेन में जा रहे हैं घुमाने शैंकी को, तो वो उसमें ट्रेन में देखिए ये मज़े कर रहे हैं। अकेले हो तो बैठता ही नहीं है किसी में भी बोलो नहीं बैठता है। तो यहाँ पे इनके पापा ने कहा चलो हम तुमको घुमा देते, मेरी गोद में तो बैठोगे। बोला हाँ पापा आप भी चलो। तो छोटे बच्चों की ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए इसमें बैठे थे। तो बड़ी ट्रेन में इसमें चक्कर लगाए थे और बहुत तेज़ी से चला रहे थे वो ट्रेन वाले, 6-7 राउंड शायद लगाए थे उसने। तो जीतू अपनी रील बना रहे हैं शैंकी को लेकर गोद में, और भी लोग बैठे थे। यहाँ हमारी लाडो रानी देखिए कितनी क्यूट लग रही है, कितनी गोलू मोलू सी हो रही है। अब हमारी बेटी का ना नक्शा चेंज हो रहा है, बच्चे ना छोटे होते हैं कभी कैसे लगते हैं कभी कैसे लगते हैं, तो आप चेंज हो रही है। अब सब लोग बोलते हैं मम्मी जैसी लगने लगी। अभी थोड़े दिन पहले कि कोई बुआ की तरह बता रहा था, कोई दादी के जैसा बता रहा था, कोई इनके बड़ी बुआ कोई छोटी बुआ के जैसे। यहाँ पे लोग जो देखते हैं वैसे बताते हैं। हालांकि हमें अपनी बड़ी दीदी नंद के जैसी लगती है, मेरी जो बड़ी वाली नंद है उनके जैसा गोल चेहरा है, बिल्कुल वैसे लगती है लाडो रानी छोटी सी। तो ठीक है, अच्छी है। और यहाँ पे मिक्की माउस है। और अब हम लोग गाँव जाएंगे दोस्तों रक्षाबंधन पे, तो वहाँ के ब्लॉग आपको मिलेंगे। 2 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है, 19 तारीख को 18 तारीख को हम लोग चले जाएंगे, उससे पहले सोचा ब्लॉग दिखा दें आपको। और इधर थोड़े दिन में बिग बॉस देख लेती थी, उसमें शिवानी कुमारी को देखते थे, हालांकि वो विनर नहीं बन पाई, लेकिन अच्छा है उन्होंने दिलों पर राज करे, अच्छा लगा, तो वो देख लेते थे। चलिए अभी देखिए ट्रेन के चक्कर हो गए पूरे राउंड, और ये शैंकी और इनके पापा अब नीचे आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने के लिए। आप लोग अच्छे व्यूज़ दिया करिए, मतलब देखा करिए, तो कमेंट वमेंट किया करिए, तो फिर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँ। कोशिश करेंगे कि जीतू ही अपलोड कर दें। वैसे तो मैं ही एडिटिंग अपलोडिंग सब करती थी, लेकिन इस समय नहीं हो पाता है और बेटी को ही गोद लेना पड़ता है, अभी वो बैठ नहीं पाती है। हाँ बिल्कुल खाली है। और सारे ये यहाँ से लो। नजर न लग हरे दिन तुझे किस मेरी जान, इससे इश्क तो किस मेरी जान, मेरी जान जान मेरी। क्या हुआ तेरे को भी चाहिए? जोर लग जाएगी। रुक जा ले। अरे घर पे हवा करवा दे। आओ धीरे से गिरा ना। मिट्टिया गिरा दे रही पियो शैंकी, थोड़ा और देखो जी तू, ये 80 रुपए में है ये चाइना वाला। चाइनीज कोरियन के होते हैं, कितनी सुंदर है बटरफ्लाई। गुड़िया के लिए ले ले। क्यों मुंडन हो जाएगा उसका? शैंकी मत छुइए, मैं देख लूँ। चलते हैं घर, 9 बज गया होगा 9:30।
वैसे यहाँ पे तो फोटो सेशन होते हैं। अब मैं इनफा टावर के नीचे है, देखिए बताओ टावर के नीचे कहाँ? ये यूएस में, अमेरिका में, और हम लोग यहाँ इंडिया में, यूके में है। यूके में हमारी लाडो रानी 5 मंथ की हो गई है। देखो कितनी सुंदर है मेरी प्यारी परी, मेरी सोना परी। अब बहुत शरारती हो गई है। चलो चलते हाथ नहीं डालते, मुंह में लाडो। पान की दुकान, तो यहाँ हमारी बाइक लगी हुई है, अभी निकालते हैं बाइक, चलते हैं। आओ आज संडे था इसलिए और थी भीड़। लो लो लो, गुड़िया रानी वाली खा रही है आइसक्रीम, उधर शैंकी खा रहा चॉकलेट वाली, उनके पापा, ये बाबा दोस्तों, ये वीडियो नहीं बनाने दे रही है, खा रही है आइसक्रीम। दोस्तों गुड़िया रानी को हमारी बहुत मजा आया मेला देखकर और आइसक्रीम खाकर, और इसने खाई है स्ट्रॉबेरी वाली, शैंकी ने खाई चॉकलेट वाली। क्या अब बड़ी होकर ये देखेगी वीडियो, बहुत हंसेगी क्योंकि मम्मी पापा मेरे खूब मेला दिखाए थे दुबई वाला। मेरी लाडू, मेरी परी, मेरी सोना, देख 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 देख, ओ लाडू रानी, लाडू रानी। ये बहुत शरारती है लाडो रानी हमारी, ये तो चलते हैं। शैंकी बैठ गए अपना पंखा लेके, अब हम भी बैठते हैं बाइक पे। चलो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैठते हैं बाइक पे, चलते हैं।